आंसर्ड। बड़ा दुखी सा बोल रहा है, कौन बोल रहा है समझ नहीं, नहीं दुखी नहीं, मेरा एक दोस्त है। अच्छा वो ना दुखी कर रहा है, लोगों को बहुत दुखी करता है। उसका नाम है डगलस फ्रॉम शकर का पोवा। शकर का पोवा नहीं, सकट नहीं, अब शकर का पोवा। बताइए आपको ना मोबाइल में या फेसबुक पे बड़े ऐसे मैसेज आए होंगे कि इसे 14 लोगों के साथ शेयर करें वरना अच्छी खबर बुरी खबर मिले, ऐसा आता है ना? हाँ बनाते हैं लोग, बट भेजते रहते हैं। नहीं तो ये हम ऐसा एक एक मैसेज इसने लेटेस्ट बनाया है, बस हमको किसी पे ट्राई करना है इसलिए हमने आपको फोन लगाया है। मैं तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं मिला था। नहीं नहीं वो मैसेज सुना थे जो बनाया तूने। सन 1000 सालों से पवित्र नागमणि की रक्षा कर रही नागिन खंडवा जिले में बैठी है, इस मैसेज को तुरंत 14 लोगों को भेजे, शाम तक अच्छी खबर आएगी। अगर जो ना भेजे तो? अगर इग्नोर किया, नहीं भेजे तो 5 सेकंड में बुरी खबर आएगी। 5 सेकंड में? एक बात बताओ, बुरी खबर तुरंत 5 सेकंड बाद, मतलब क्या चक्कर है? आप बताओ भेजोगे नहीं भेजोगे? ना भेजता हूँ, खाड़ ले, क्या उखाड़ेगा तू? नहीं भेजेंगे पक्का? ना भेज रहा। बुरी खबर आएगी 5 सेकंड में, 5, 4, 3, 2, 1 बुरी खबर। नमस्कार, बुरी खबरों में आपका स्वागत है। अब तक की सबसे बुरी खबर यह है कि आपकी छत पे आने वाला बंदर पहले आपका कच्चा फाड़ के जाता था, अब वो फाड़ के जाएगा आपकी कमीज। तू आया तेरा बंदरा फाड़ दूँ तुम दोनों। गलत बोल रहे हैं आप, बुरी खबर। अच्छा। आपको हजम नहीं हो रही है? नहीं हो रही, बताएं। 14 लोग को मैसेज भेज दो, वापस से बता रहा हूँ। सन 1008 से ही पवित्र नागमणि की रक्षा करती है नागिन मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। इस मैसेज को 14 लोग को भेजिए, कल शाम तक अच्छी खबर, वरना फिर से 5 सेकंड में बुरी खबर। फिर 5 सेकंड में 5, 4, 3, 2, 1 बुरी खबर। नमस्कार, बुरी खबर में आपका स्वागत है। वो जो बंदर आपकी छत पर आता था, पहले आपका कच्चा फाड़ता था, वो आपका फाड़ कर जाएगा आपकी कमीज। अरे बुरी खबर, कमीज फाड़ देगा बाप। या खबर देने वाले से बात करवा जो मैसेज बना रहा। ये भी डगलस फ्रॉम शकरापुरवा, डगलस बतियाले भाई। हाँ भाई, 1000 सालों से पवित्र नागमणि नाग की रक्षा कर रही है खंडवा जिला। बोलिए भाई साहब, इस मैसेज को 15 लोगों को भेजे। ये मणि मेरे पास में है, 2 मणि, ठीक है, और एक नागिन की रक्षा कर रहा है। बना रहा है एक घंटा से, ये फोन बंद कर दिया। हेलो हेलो, कौन? नमस्कार जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं नंद किशोर बैरागी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी आप दो लोग बैठे हैं क्या? दो? जी हाँ, आप तैयार हैं तो बताइए, हम शुरू कर सकते हैं। क्या तैयारी, मैं पहचान नहीं पाया। यही बात कर रहे थे हम कि हर हफ्ते एक विशेष चर्चा होती जहाँ पर आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि। हेलो, कौन सी चर्चा, में पहचान नहीं पा रहा, तू बता रहा है बता वरना। नहीं सॉरी सॉरी, मैं कह रहा हूँ एक छोटा सा मुद्दा होगा जिसपे मैं सवाल पूछूंगा, बैरागी जी उसका जवाब देंगे और आप जनता की तरफ से कोई राय या विचार रख सकते हैं, बस 2 मिनट लगेगा। अच्छा ठीक है, जल्दी करो। हाँ बैरागी जी, इन्होंने हाँ कर दिया है। आज का मुद्दा यही है भाई साहब कि अक्सर लोग एक दूसरे को आंख दिखाते हुए कहते हैं कि जाजा तू क्या उखाड़ लेगा। बहुत ही हाँ। आपने बोला है किसी को? हाँ बोला है बहुत बारी। हाँ लेकिन ये बात आई कहाँ से? सबसे पहले इसी पर प्रकाश डालेंगे हमारे बैरागी जी। अरे यार दिमाग खराब। एक सेकंड जल्दी बोलो बैरागी जी, बताइए आखिर ये बात कहाँ से शुरू हुई? देखिए बात आज की नहीं, बहुत पुरानी बात है। आपने रामायण तो देखी होगी? जी बिल्कुल। के अंदर हनुमान जी खुद जाते हैं संजीवनी में, संजीवनी बूटी। भाई साहब अब उस जमाने में। अरे क्या बकवास कर रहे हो, ये कहाँ कहाँ मतलब जोड़ रहे हो? एक सेकंड बता रही हूँ। हाँ तो हनुमान जी संजीवनी लेने जब गए तो हनुमान जी ने ऊपर से देखा संजीवनी कहाँ है और जाकर के पूरा पर्वत उखाड़ के ले गए। उखाड़ लिए? पर्वत के नजदीक 4-5 गाँव थे, ठीक है। अब वो पर्वत उनकी रक्षा करता था, ठीक है, आक्रमणों से, इन सब चीजों से। जी हाँ। तो वहाँ की सारी प्रजा दौड़ती हुई राजा के पास गई। गई और जाते ही बोलने लगी, महाराज अब हमारा क्या होगा? बिल्कुल। तो महाराज ने, भाई साहब आप लाइन पे हैं ना? क्या बोल रहे हैं? ठीक है, क्या बोला महाराज? महाराज जी ने सीधा एक लाइन में कह दिया कि आने दुश्मन को अब क्या उखाड़ लेगा, क्योंकि पहाड़ तो पहले ही उखड़ चुका था भाई साहब। अच्छा यहाँ से शुरू हुआ क्या उखाड़ना? वहाँ से पुरातन काल से। बताइए कैसा लगा आपको? मैं इसका कुछ और ही उखाड़ दूंगा अगर इसने अब चुकना हुआ। बेबस घोष, इन्होंने गंदा, क्या नाम इनका? बेबस घोष। आप बेबस घोष हैं? तेरे बाप का नाम बेबस घोष है क्या? बैरागी जी काट दिया इन्होंने फोन। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी, अगर आपने जगह सुनी हो, डक्सरपुर। डक्सर? हाँ अभी अभी सुनी। डक्सरपुर से एक
खेत जुड़े हुए अदरक के। अच्छा। वहाँ से 50 ग्राम अदरक भी आई है। अच्छा। तो इन खेतों से कुमारी लिब्रा चुस्की कहती है कि यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। लिब्रा चुस्की एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू लिब्रा। लेकिन मुझे ये तो बताइए आप मेरे को फोन क्यों करे, आप हो कौन? तू नागरिक है ना, एक जागरूक। हेलो। हाँ जी हाँ जी, बताइए बताइए। करे बहुत बढ़िया। इस हफ्ते का मुद्दा ये है भाई साहब कि अक्सर हमने दीवारों पर लिखा हुआ देखा है कि गुप्त रोगी बस स्टैंड के पीछे मिले। बहुत ही बढ़िया। यही टॉपिक है। तो बस स्टैंड के पीछे ही क्यों मिले, आखिर बस स्टैंड के पीछे क्या हो रहा है? तो इसी पर बैरागी जी प्रकाश डालेंगे। हाँ जी हेलो। तो बताओ बैरागी जी। फिर हाँ बताओ बैरागी, मैं भी जानना चाहता हूँ। हाँ देखिए, सबसे पहले तो जो गुप्त रोग है वो अपने आप में गुप्त है, किसी को पता नहीं है, इसका किसी को मालूम नहीं। हाँ। जैसे ही गुप्त रोगी बस स्टैंड के पीछे जाता है, हाँ जी, वहाँ पर डॉक्टर के पास बांस का डंडा रहता है। डंडा? अच्छा, डंडा रहता है जी। और वो रोगी नहीं नहीं, आप मुझे मालूम था देने लेने की बात कर रहे हैं। रुकिए, डंडा होता है फिर डॉक्टर क्या करता है? तो जैसे ही डॉक्टर गुप्त रोगी के 4 डंडे लगाता है, हाँ? रोगी के भीतर से गुप्त रोग आकर के खुद कहता है, ओ डॉक्टर आई एम हियर, आई एम हियर, उसे मत मारो। और लोग अपने आप बाहर आ पागल हो गया, पागल नहीं, पागल नहीं हुए। आप अपने मार के देखिए, रोग अपने आप रोग आएगा। गंडा मत बोली। इनका नाम क्या बैठा जी? इनका नाम दिया है गुप्तांग जुनेजा। गुप्तांग जुनेजा, गुप्तांग तेरा बाप होगा पिताजी का ऐसा काम। एक सेकेंड, इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे नंद किशोर बैरागी जी के साथ। ए बस गुप्तांग जी, आज मालूम पड़ गया होगा कि गुप्त रोग क्या हो। बहुत बड़ी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से बैठाएगी? इस बार की चिट्ठी बहुत ही प्यारी जगह अटलांटा, अपने नाम सुना? हाँ जी सुना है। अटलांटा के गांव बख्तावरपुर से जी पिपासी पात्रा। अच्छा। कहती है यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। पिपासी जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू पिपासी। हेलो हेलो हेलो, दो पैसे का हेलो। अरे भाई कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ, क्या आपका नाम सती है भाई साहब? हाँ जी जी, वो अधिकारी के आप फेसबुक के फ्रेंड्स हैं ना, मैं भी उसमें एक मिनट देखा था आपका कल प्रोफाइल मैंने। जान तो फिर एक कमेंट लिखा था आपने कि इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। जब मैंने पढ़ा कि इसके लिए जान भी दे सकता है तो फिर मैंने स्क्रॉल किया भाई साहब, नीचे देखा आपने मसाले डोसे का फोटो डाला मसाले डोसे का फोटो डाला था आपने और लिखा था इसके लिए जान भी दे सकता हूँ, क्या बात सही है? अरे तो तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं इतना पसंद है आपको, कुछ भी हो मैं मेरा स्टेटस में कुछ भी डालूं, नहीं बस इतना पसंद है कि जान दे सकते हैं मसाले डोसे के लिए भाई साहब? हाँ दे सकता हूँ, पर मैं आपको बता दूं आपकी याददाश्त के लिए कि यही मसाला डोसा आपकी जान पे आफत भी कर सकता है, पूछें कैसे? बता रहा हूँ सुनिए, मसाला डोसा कैसे बनता है? राइस से, चावल, चावल उगता है जमीन में जिसको पानी की भी जरूरत होती है, पानी बरसता है पेड़ से, पेड़ से कहाँ आसमान से बरसता, मतलब पेड़ होते हैं तभी आसमान से पानी बरसता है। हाँ। पेड़ आप काट रहे हो? कौन काट रहा है? इंसान, मतलब इंसान, इंसान काटते जा रहा है, इंसान को लग रहा है वो पेड़ काट रहा है, पर कायदे से इंसान अपना क्या काट रहा है? सही पकड़े भाई साहब। फिर आप पेड़ काट के वहाँ घर बना देते हो, तो सपोज आपने पेड़ काटा वहाँ पे अपना घर बनाया, घर किस चीज से बनता है भाई साहब? घर ईंटों से बनता है ना, और किस चीज से बनता है? घर लोगों से बनता है, भावनाओं से बनता है, सपने का घर होता है भाई साहब। अरे ईंट सीमेंट से खड़ा करेगा जब भी तो भावनाएं घुसेगी उसमें। ये बात भी सही है। एक खाली मैदान में जाके, खाली मैदान में जाके भावनाओं की लकड़ी पे थोड़ी घर खड़ा होगा, है कि नहीं भाई साहब? वही तो सुनिए, सही बोल रहे। तो घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कौन सा होता है? अरे तू मसाले डोसे, वो किस डोसे की बात कर रहा है? डोसे से आना आ तो रहा हूँ, घर लकड़ी वकड़ी कहाँ पहुँच गया? पहुँचा ऑलमोस्ट देर भाई साहब, ऑलमोस्ट। तो आप बताइए घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या होता है? वहाँ जा टट्टी करते हैं। टट्टी दिया दोबारा, यही घूम रही है आपके दिमाग में। अरे किचन भाई साहब, किचन, किचन घर का सबसे इम्पोर्टेंट। तेरे लिए होता हुआ मैं तो इस वक्त जहाँ बैठा हूँ मेरे लिए वही है घर का सारी। नहीं सुनिए, तो किचन इसलिए क्योंकि आप वहाँ खाते हो, जब तक खाओगे नहीं तब तक भगने कैसे जाओगे भाई साहब? बात करिए, ये भी बात सही है। लेकिन किचन का फायदा क्या है? पानी बच रहा नहीं है, पानी खत्म हो जा रहा है, आप पेड़ काट रहे हो, बारिश होगी नहीं, खाली घर बना रहे हो, घर में किचन होगा, पानी होगा नहीं, क्या खाओगे क्या बनाओगे? हैं? तो जब खाओगे नहीं पियोगे नहीं तो फिर जान बचेगी आपकी?
अरे फोन रख दे भाई साहब, बहुत हो गई तेरी गलत बोला, बात में रह गया, आपकी जान बचा रहा हूँ, डोसा खिला रहा हूँ, आप बोल रहे ये नहीं, रहने दे, ऐसी ऐसी जान नहीं बचानी मुझे, बताइए। हेलो, नमस्कार भाई साहब, बउआ बोल रहे हैं। कौन बउआ? मैं बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। कौन कौन बैरागी जी? नंदकिशोर बैरागी, नंदकिशोर बैरागी, हाँ, न से नंद, ग से गंड। अरे भैया किसने मन लाया? जैसे हर हफ्ते मैंने सब बता दूंगा, अगर आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू करना है तो बताओ। हर हफ्ते एक चर्चा होती है भाई साहब। चर्चा? एक मुद्दा होता है, उस पे बैरागी जी जैसे एक्सपर्ट अपनी टिप्पणी देते हैं और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि। हेलो, तो मुझे कैसे मिले तुमने? एक मिनट लगेगा बस, तो बोलो फिर जल्दी बोलो। सांस जल्दी, हाँ बोल रहे जल्दी। सांस, कोहिनूर हीरे को लेकर बड़ा बवाल चल, बहुत ज्यादा चर्चा भाई साहब, सुना है आप? चर्चा करोगे? हाँ नहीं, चर्चा नहीं करेंगे, ये हमें बताएंगे कि आखिर कोहिनूर अंग्रेजों के पास गया कैसे। इनको सब पता है बैरागी जी, प्लीज बताइए क्या कहानी है। अच्छा। पहली बार मैंने जाना है कि राजा टफी त्रिपाठी। कौन? टफी त्रिपाठी। बाप का नाम? देखिए अपने सत्वचन अपने पास रखिए। तो कैसे नाम ले रहा हूँ? राजा टफी त्रिपाठी के यहाँ 10 साल बाद पुत्र का जन्म हुआ। क्या बात, जिसकी खबर सुनाने के लिए सदा पांडे दौड़ा है, उनका दास सदा पांडे। राजा ने सुना जैसे पुत्र हुआ है, हीरा निकाल कर अपनी जेब से, हाँ, सदा को जिसे वो गर्दन से तोड़ के दे देते थे ना, वाह पुत्र हुआ। बोल भाई साहब, आपको याद है दिखाते थे टीवी पे पहले? और पागल के बच्चे साले। जैसे ही सदा के हाथ में हीरा आया, ईस्ट इंडिया कंपनी दौड़ी चली आई। क्या बात, उन्होंने आके राजा, ईस्ट इंडिया कंपनी है। अरे मामा जी सुन लो, उन्होंने आते ही राजा को बंदी बना दिया। लेकिन राजा तो बंदा था, बंदी कैसे बने? राजा ने बोला मुझे बंदा ही रहने दो, मैं हीरा नहीं दूंगा। अंग्रेज बहुत चलाक थे, उन्होंने सदा पांडे को उठाया और अपने साथ। वाओ, तब राजा को अपना दिया वचन याद आया। भाई साहब, अरे सुना क्या रहा है, ये तो बताया साला सुना रहे रुकिए। तब राजा को क्या वचन याद आया? जब अंग्रेज सदा को ले गए, तब मैंने जब हीरा सदा को दिया तो कहा था हीरा सदा के लिए। हीरा सदा के लिए, इसलिए सदा भी गया, हीरा भी गया, तब से अंग्रेजों के पास हीरा है। ओ, मेरे पास बहुत बड़ा हीरा तेरी। अच्छा, एक सेकंड, गलत बोल रहे हैं आप। बैरागी जी, इनका नाम क्या है? किलसन जोशी, बहुत किलस रहे हैं। आपका नाम? ओ, किलसन। चर्चा यही खत्म की। प्रकाश लोशन के साथ मैं और बैरागी, और ये थे किलसन जोशी। किलसन जोशी, बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी काबुल के शहर दमगुटकू से खरबूजे के बीच सुखाने वाली सेंटी रीता कहती है, गाइस आर एफ से रॉकिंग होती है। सेंटी रीता एफ से रॉकिंग नहीं होता। और रीता, खा लो पपीता। हेलो, इस बार मैं प्लानिंग कर रहा था कि छुट्टियों में कहीं जंगल की ओर। जंगल से ना, कि नेचर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड रहते हैं बैरागी। पक्षी, झरने, शायद फोन कहीं लगा है झरने। देखिए संपर्क, ओ झरने। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, क्या ये सही समझना की आपसे बात बन चीन है? बोल कौन रहे भाई साहब? नमस्ते, मैं बउआ बोल रही हूँ, मेरे साथ बैरागी जी, नंद किशोर बैरागी। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। वैसा मैंने आपको बचाना नहीं, आप कौन सा बात कर रहे हैं? साहब तो मैं हूँ ही, मैं बउआ हूँ, ये बैरागी जी हैं। बुआ जी, बचाना नहीं मैंने आपको। आप अगर तैयार हैं तो हम सीधा शुरू कर सकते हैं, आप बताइए। क्या शुरू करेंगे? यही शुरू करेंगे, हर हफ्ते एक ऐसे सामाजिक पहलू पे चर्चा होती है, जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट बैरागी जी और आप जैसे एक प्रतिनिधि जो जनता की तरफ से सवाल पूछते हैं। अरे भैया, कौन सा प्रतिनिधि? अरे जिम्मेदार नागरिक का एक कर्तव्य होता है। अरे मेरे को क्यों दे रहे हो भाई साहब, जबरदस्ती का कर्तव्य है? तो क्या लेंगे, कर्तव्य नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, बताइए। हम मुद्दा शुरू कर दिमाग ना खराब कर, जल्दी बोल क्या बोलना है। हाँ, मेरी गुड़िनों ने हामी भर के बोलो। हाँ बोल, आज के टॉपिक ये है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसने देखा, यही टॉपिक है आज। अबे कितने वेले हो तुम, टॉपिक मिला तेरे को बात करने के लिए। बैरागी जी आज इस पर अपनी टिप्पणी देंगे, आपके सवालात हम आखिर में लेंगे। बीच में मत बोलिएगा, सुनिएगा। अबे तू बताएगा? आप करके बोलिए। नाम बैरागी है, बैरागी। तू बताएगा? बैरागी के बाद सरनेम भी लगा दिया, बहुत अच्छे। एक सेकंड, जंगल में मोर नाचा किसने देखा बैरागी जी, प्लीज बताएं। देखिए बात 2000 के दशक की बात है, जब महेश भट्ट कृत जो आई थी मर्डर, मर्डर फिल्म देखी आपने भाई साहब?
हाँ जी भाई साहब देखिए कौन है उसमें, मल्लिका शरावत। और तो उसमें कोई है ही नहीं उनके अलावा। हाँ और कोई नहीं है, तो आगे बोलना क्या है। एक सेकंड यहाँ बताइए, तो उस फिल्म का निर्माण हो रहा था जंगल में, शूटिंग चल रही। मर्डर की शूटिंग जंगल में क्यों? क्योंकि आजकल तो मर्डर जंगल में ही होते हैं, इंद्राणी का केस ले लीजिए। फुल अपडेटेड है छोटा सा मर्डर की शूटिंग जंगल में हो रही थी तो उस फिल्म के मुख्य अभिनेता जो कि मशहूर माने गए हैं चुंबन के लिए, चुंबन उनका कोई तोड़ नहीं है। हाँ भाई साहब, तो वो अभिनेता इमरान हाशमी जी, सही जवाब। हाँ। बेटा इसके लिए हैम्पर ले जाना। तो उन्होंने जैसी अभिनेत्री को चुंबन किया उस जंगल में, हाँ, एक मोर ने उन्हें देख लिया। मोर ने, भाई साहब कुछ समझ में देख लिया। हाँ, समझ नहीं। और उस मोर को उस चुंबन ने भी देख लिया। एक मिनट, मोर को चुंबन ने देखा, चुंबन को मोर ने देखा। हाँ, तो इसका बिल्कुल अर्थ वही है कि मोर ने किसको देखा और किसने भी किस मोर को देख लिया। मतलब जंगल में मोर नाचा, किसने देखा, किसने देखा। अबे बैरागी अपना, बस करिए आप गलत बोल रहे हैं। अबे तो सही बोलने लायक है वो। एक सेकंड बात करिए, आप बैरागी जी से जो कहना है। देखिए रैंडम बख्शी, मैं आपसे बैरागी मेरी बात सुन ले। क्या नाम है? एक सेकंड, रैंडम आपका नाम रैंडम बख्शी है? नमस्कार, मैं नंद किशोर बैरागी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये आप दो लोग बैठे हैं क्या? जी हाँ, आप तैयार हैं जो बताइए, हम शुरू कर सकते हैं। क्या तैयारी, मैं पहचान नहीं पाया। यही बात कर रहे थे हम कि हर हफ्ते एक विशेष चर्चा होती है जहाँ पर आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि। हेलो, कौन सी चर्चा, में पहचान नहीं पा रहा, तू बता रहा है बता वरना मैं। नहीं सॉरी सॉरी, मैं कह रहा हूँ एक छोटा सा मुद्दा होगा जिसपे मैं सवाल पूछूंगा, बैरागी जी उसका जवाब देंगे और आप जनता की तरफ से कोई राय या विचार रख सकते हैं, बस दो मिनट लगेगा। अच्छा ठीक है, जल्दी करो। हाँ बैरागी जी, इन्होंने हाँ कर दिया है। आज का मुद्दा यही है भाई साहब कि अक्सर लोग एक दूसरे को आंख दिखाते हुए कहते हैं कि जाजा तू क्या उखाड़ लेगा। बहुत ही, आपने बोला है किसी को? हाँ बोला है बहुत बारी। हाँ लेकिन ये बात आई कहाँ से? सबसे पहले इसी पर प्रकाश डालेंगे हमारे बैरागी जी। अरे यार दिमाग खराब। एक सेकंड जल्दी बोलो बैरागी जी, बताइए आखिर ये बात कहाँ से शुरू हुई? देखिए बात आज की नहीं, बहुत पुरानी बात है। आपने रामायण तो देखी होगी। जी बिल्कुल। इसके अंदर हनुमान जी खुद जाते हैं संजीवनी लेने, संजीवनी बूटी। भाई साहब अब उस जमाने में। अरे क्या बकवास कर रहे हो, ये कहाँ कहाँ मतलब जोड़ रहे हो? एक सेकंड बता रही हूँ। हाँ तो हनुमान जी संजीवनी लेने जब गए तो हनुमान जी ने ऊपर से देखा संजीवनी कहाँ है और जाकर के पूरा पर्वत उखाड़ के ले गए। उखाड़ लिया। पर्वत के नजदीक चार पाँच गाँव थे। ठीक है। अब वो पर्वत उनकी रक्षा करता था। ठीक है। आक्रमणों से, इन सब चीजों से। जी हाँ। तो वहाँ की सारी प्रजा दौड़ती हुई राजा के पास गई। गई और जाते ही बोलने लगी, महाराज अब हमारा क्या होगा? बिल्कुल। तो महाराज ने, भाई साहब आप लाइन पे हैं ना? क्या बोल रहे हैं? ठीक है, क्या बोले महाराज? महाराज जी ने सीधा एक लाइन में कह दिया कि आने तो दुश्मन को, अब क्या उखाड़ लेगा, क्योंकि पहाड़ तो पहले ही उखड़ चुका था। भाई साहब अच्छा यहाँ से शुरू हुआ क्या उखाड़ना? वहाँ से पुरातन काल से। बताइए कैसा लगा आपको? मैं इसका कुछ और ही उखाड़ दूंगा अगर इसने अब चुपना हुआ है। बेबस घोष, इन्होंने गंदा, क्या नाम इनका? बेबस घोष। आप बेबस घोष हैं? मेरे बाप का नाम बेबस घोष है क्या? गंदा बन रहे बैरागी जी, काट दिया इन्होंने फोन। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी, अगर आपने जगह सुनी है, डक्सरपुर। डक्सर, हाँ अभी अभी सुनी। डक्सरपुर से एक खेत जुड़े हुए अदरक के। अच्छा। वहाँ से 50 ग्राम अदरक भी आई है। अच्छा। तो इन खेतों से कुमारी लिबरा चुस्की कहती है कि यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। लिबरा चुस्की एफ से रॉकिंग नहीं होता। हेलो, नमस्ते अंकल। कौन बोल रहे भैया? बउआ बोल गए हैं। क्या है, चल हो गए हैं? बताइए। मैंने अभी अभी पिक्चर की टिकट खरीदी। बात किससे करनी है? आपसे करनी है। बताएं। पहले तो देख मेरे को एटीट्यूड नहीं दिखा, ठीक है? आदमी ढक्कन है भाई। बउआ हूँ, सुनी, मैंने पिक्चर की टिकट खरीदी थी अभी अभी 2 मिनट पहले। उन दोनों टिकटों को गमले के नीचे, मिट्टी के नीचे दबा दिया। क्यों गमले के नीचे क्यों दबा दिया? कि पेड़ बन के वो छोड़, ये तो सिर्फ टिकट थी 170 रुपए की। कल रात को बाप की तिजोरी तोड़ के वसीयत को मिट्टी के नीचे दबा दिया मैंने। वसीयत मिट्टी के नीचे दबा दी। बचाओ, चुप जाओ भाई साहब, इसने मिट्टी में दबा दिया। चुप जाओ, मेरी गर्लफ्रेंड है, गले तक के मिट्टी में दबाया मैंने इसको। ये लड़का न मैं बउआ बोल रहा हूँ। अबे क्या बउआ, किससे बात करने? कैसे कर लगा रखा यार, मजाक नहीं सुनिए। मैंने ये क्या किया पता है? क्या किया? मैं अपनी इच्छा दबा रहा हूँ, ये सारी इच्छा है मेरी। अबे
भाई साहब हेलो हेलो कायो पिक्चर फोन काट चलो बड़ा आदमी दोबारा फोन कर दिया हेलो काम धाम नहीं है क्या काम धाम बउआ बोल रहा हूँ सुनिए बउआ बोल रहा हूँ बउआ बोल रहा हूँ बउआ भाई एक सेकंड मेरे को बात नहीं कर मैं अपनी इच्छा दबा रहा था आपने रेड बटन दबा दी फोन के तो दबाएगा आप एक पुलिस वाले से बात कर रहे हो संभाल के पुलिस वाला हाँ जी मेरी इच्छा थी पुलिस बनने की लेकिन पुलिस का फार्म लाया था भर्ती का उसको भी मैंने दबा दिया वेरी नाइस नाउ यू आर गेटिंग इट नागिन पिक्चर देखी है नागिन ने में काट लिया तुम्हारी नहीं ऐसा नहीं करती हो तुम इंसानों जैसी नहीं हो वो सही जगह काटती है आज पूरे दिन बात करूंगा तुझसे अब तो इंटरेस्ट लगने लगा नहीं नागिन पिक्चर की डीवीडी मैंने दो बार दबाई है क्यों भाई क्योंकि एक तो मेरी इच्छा थी कि मैं नागिन देखूं अच्छा ऊपर से उस पिक्चर में जो नागिन थी वो भी क्या इच्छाधारी नागिन इच्छाधारी नागिन वेरी नाइस बहुत समझदार आदमी है तू बड़ा यार बड़ा बेशरम बेशरम आप अपना फोन रख फोन गला सब दबा दूंगा क्यों दबाऊंगा हेलो हेलो हाँ जी कौन हाँ जी बउआ जी बोल लेंगे कौन बोल रहा तुसी पंजाबी है गे हाँ जी अभी पंजाबी है गे तुसी कौन जी अशी बउआ है गे कितना बोल रही थी हाँ नहीं सॉरी हिंदी में बोल रही है जी इतना ही आ गया था पंजाबी हाँ बोल 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 मैं दो दिन से घर के बाहर भूखा पैसा मेरे घर का दरवाजा अंदर से बंद हो गया चाबी मेरे पास नहीं है मेरे मम्मी पापा नहीं है ओह सॉरी बेटा सॉरी 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 ओह सॉरी मतलब मौसी के यहाँ गए अलीगढ़ आएंगे 3 दिन बाद दिमाग खराब हो रहा तू बदल मैं तो मर गए ऐसा क्यों लग रहा तेरे को अरे यार तू फोन कर बकवास कर पाजी पाजी हेलो हेलो आज फोन कर फिर से दोबारा फोन कर रहा है एक सेकंड मेरे घर का दरवाजा नहीं बंद हो गया मेरे को चाबी नहीं है उसमें सिर मार दरवाजे में दरवाजे में सिर नहीं मैं 3 दिन से भीख मांग रहा हूँ भीख मांगने दरवाजा खुल जाएगा घर के बाहर 3 दिन से बैठा हूँ न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर देता है वो खा लेता हूँ दूध वाला दूध देता है कच्चा दूध पी लेता हूँ अरे तेरे दिमाग में फर्क है क्या 3 दिन से भीख मांग रहा तो ताला तोड़ने वाले को नहीं लाया नहीं यही तो अलग स्टाइल है बेटा अरे तेरी ऐसी की स्टाइल की भीख मांग के करने क्या तुम्हें जैसे मैं लोगों से भीख मांगूंगा दरवाजा खुलने के चांसेस बढ़ जाएंगे कैसे अगर मैं लोगों से भीख मांगूंगा तो लोग क्या दिखाएंगे दिखाएंगे नहीं वैसा वाले दिखाएंगे नहीं मतलब लोग क्या देंगे लोग तड़स खाएंगे और क्या होता है तड़स जैसे एक और वर्ड क्या दया वेरी गुड दया उससे क्या हो जाएगा दया ये वही दया है जो दरवाजा तोड़ेगा अरे सारे कुत्ते फोन जल्दी दया दिखाओ दरवाजा खुलवाओ मेरी कैसी कैसी है ये गलत बोल रहे हैं आप दया दरवाजा तोड़ेगा दया तेरी तोड़ेगा ऐसा क्यों तोड़ेगा वो दया दरवाजा तोड़ेगा दया काट दिया हेलो व्हाट अ कोएक्सीडेंट लेडीज हूज दैट हाय मैं बउआ बोल रही हूँ लेडीज हू बउआ मी बउआ फ्रॉम वेयर फ्रॉम too much English is engineers to health. Hello. Okay, who are you? Just tell me. Let's decide. Hello. Hindi. Deal karte Hindi. Okay? Come again? Yeah, I will come again and again. God. Sorry, do you have 2 minutes? Hindi mein bolo. 2 minutes hai, bolo. Oh, sorry. Yeah, in a desi girl. Desi. Mere paas time nahi hai faltu baat ke liye. Aage sun, baat to suniye. को फूंक फूंक के पीता है वो दूध का जला एंड छाज एंड ऑल दैट क्या वो लेट मी ट्रांसलेट दिस इनटू हॉट मिल्क ड्रिंकिंग एंड बर्निंग एंड देन आफ्टर दैट ड्रिंकिंग बटर मिल्क व्हाइल डूइंग फूफू तो हिंदी में बोलो के ओके लिसन कोई कहता है दूध का जला भी छाज को फूंक फूंक के पीता है यानी दूध का जला यानी जले पे नमक यानी दूध में नमक यानी दूध फट गया यानी फटने के बाद दूध बना पनीर यानी पनीर को भी फूंक फूंक के खाना होगा अच्छा
You are laughing? No, I'm not laughing. You are, actually. Stupid joke से मुझे कोई हंसी नहीं आती है. तो अच्छे सुनिए. तो यानी मैं फूंक. Joke मार के खुद ही हंस रहे हो तुम. Sorry. Am I doing that much too much? Yeah, you're doing too much. Oh, let's do three much. Just start up. स्पून को बोलते हैं चम्मच. yeah. अच्छा इसलिए देखिए ये दूध का जलना, छाछ को फूंकना, पनीर का फटना, मैं इसको जड़ से खत्म कर देना चाह रहा हूँ. इसलिए सीधे तबेले में आ गया हूँ. क्या? और मैं सोच रहा हूँ भैंस को ही फूंक मार दूंगा. साला है क्या तेरा प्रॉब्लम? क्या है? प्रॉब्लम नहीं, भैंस को फूंक मार दो, न दूध को फूंकना न छाछ को. बात खलास. दूध छाछ भैंस है क्या ये? तो देसी गर्ल अब्यूजिंग. मैं अंग्रेजी में भी अब्यूज कर सकती हूँ, समझ आई है? Are you sure? Yes, I'm sure. Just गंदा बोला अच्छी आंटी. लेडीज आंटी होगी तेरी माँ. ओ माँ ये कब. हेलो. नमस्ते अंकिल. नमस्ते. कौन? बउआ बोल रहा हूँ. क्या आप तैयार हैं? कौन बउआ? क्या तैयार है? इस बड़े मुकाबले में फिर से आपका स्वागत है. हमारे साथ हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ नंद किशोर बैरागी जी. नमस्कार. हम इस मुकाबले की तह तक जाएंगे और सुचारू रूप से एक. अब हेलो, ये कौन मंत्री आ गया? ये नंद किशोर बैरागी जी हैं. बैराग. कौन नंद किशोर है? आजकल के जो गाने बन रहे हैं, क्या वो अश्लीलता की चरण सीमा को पार कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल सही. साथ ही साथ नंद किशोर बैरागी जी, गलत हूँ तो मुझे टोक दीजिए. सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही. और इस मौलिक चाहते ये है कि जो गाने आजकल बन रहे हैं उनके बारे में मैं जनता की राय यानी आपसे पूछूंगा. भाई चाहे लो, मेरे पास टाइम नहीं है ना. मैं तो एक गाना ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू. मैनू मैनू कायदे से गाने टेनू वर्ड्स मैनू का होना चाहिए. लेकिन ये गाया यो यो कवि ने. यो यो कवि यो. एक सेकंड. जनता हमारे साथ है. हनी सिंह का गाना है. या तो आप बोल लीजिए या बैरागी जी को बोलने दीजिए. तू ही बोल ले बैरागी, तू ही बोल ले, मेरे को नहीं सुनना. हाँ, और मैं बउआ. तमीज से बात कीजिए. बोल तो मैं लूंगा. एक सेकंड. आप बताइए आपको इस गाने से क्या अर्थ समझ में आता है? एक नंबर गाना है. हम सब बहुत नाचते हैं इस गाने पे, ठीक है ना? इस गाने का अर्थ क्या है वो नंद किशोर बैरागी जी हमें बताएं. मैं एक एक लाइन कहूंगा, आप अर्थ बताइएगा. ठीक है. पहली लाइन है ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू. यही लाइन है. इसका क्या अर्थ है? हे सुंदरी तेरे नीले नेत्र मुझे सम्मोहित कर रहे हैं. अच्छा. अगली लाइन आई स्वेड छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैंने. इसका क्या भावार्थ है? मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि तू तुच्छ वस्त्रों में विस्फोटक सामग्री के समान प्रतीत हो रही है. अबे तेरी विस्फोटक सामग्री तेरे. एक सेकंड रुकिए जनता. एक शब्द में आप क्या कहेंगे बैरागी जी को? बैरागी गलत तरीके अपने बैसाखी को. सॉरी बैसाखी जी नहीं बैरागी जी. बैरागी नाम है बेटे, ढंग से पहले पढ़ तो लो. बैरागी. हाँ बैसाखी तुम्हारे पापा ले, हम तो ये दुआ करें. बैसाखी तेरे ले लूंगा. कौन बस कह दिया. हेलो. हेलो. कौन? जी बउआ बोल रहे हो. हाँ बोलो. कौन बउआ? तो मुझे स्कॉलरशिप के लिए विदेश जाना है, ट्रेनिंग के लिए. कैसी स्कॉलरशिप चाहिए? होनुलुलु नामक एक जगह है. ये कौन सा लुलु? नहीं होनुलुलु. अच्छा फिर? होनुलुलु में ना हाँ? पैराशूट से ऊपर से जंगल में कैसे कूदते हैं उसकी ट्रेनिंग होती है. अरे यार नहीं सही में वही जाना है. अच्छा तो मैं क्या करूँ? पूछो वहाँ क्यों जाना है. वहाँ क्यों जाना है? यार इसके पीछे एक लंबी कहानी, अगर आपके पास समय है तो बताऊँ. हाँ बताओ. मेरे बाप ने मुझसे कहा बउआ तेरे दिमाग में भूसा है. हाँ. गोबर है. तू मेरे दिमाग का दही करता है. अच्छा. यानी दिमाग में भूसा है, गोबर है, दही है. हाँ? तो इसका मतलब जरूर दिमाग में भैंस और तबेला होगा. हाँ, पक्का. भैंस दिमाग में दूध दे रही है. हाँ? वो फट जाएगा क्योंकि गर्मी आ गई है. एक बार दो रुपए का होनुलुलु बोल के बताओ. हेलो अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ. हेलो. कौन बउआ? एक सेकंड, मेरे पापा मेरी बात आप सुनिए. बेटा. हेलो बेटा. तुम्हारा बापू ओरिजिनल. ओरिजिनल बापू से थे. हेलो अंकिल. हेलो हेलो करना बंद करी तो थोड़े अपने बाप से बात कर लूँ. अबे तो बोल रहा, मुझसे फोन मिला, मुझसे बोलो पहले. तो तुझसे बोलूंगा ना, सही समय आ गया तो.
फोन मिलाना सेठ, मैं अपने पापा अंकिल से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे अपने एक दांत दे दो। क्यों? अरे गर्मी आ गई है, मुझे एक बिजनेस चालू करना है। अबे तो दांत क्या करेगा? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। क्या मेरे पापा अंकिल ने बचपन से मुझे बोला है? क्या बोला है? कि मैंने इनके दांत खट्टे किए हैं। मुहावरा होता है ना। इसीलिए तो मैं शिकंजी की एक दुकान खोलूंगा, मोदी नगर की मशहूर मसाले ले आया हूँ। तो दांत खट्टे हुए हैं इनके। हाँ, तो दांत तोड़ के नींबू की जगह उसको उपयोग करूंगा और पैसे। हेलो, एक सेकंड, ये कुछ बोल रहे? हाँ बोलिए। वो तो बोलने की बात है, मुहावरा, उससे थोड़ी शिकंजी खट्टी होगी। नहीं होगी? नहीं। तुमको कैसे पता? हो सकता खट्टी हो। नहीं होती। अच्छा तो मैं एक काम करता हूँ, एक दांत तोड़ूंगा, अगर खट्टी नहीं हुई तो बाकी नहीं तोड़ूंगा। वापस लगाएगा? हेलो मूर्ख, यार ऐसा नहीं होता है। कौन हो तुम? मैं बहुआ बोल रही हूँ, स्टार्टिंग में बताया था, गजनी भूल गया। अबे ओ गजनी, एक मारूंगा सर पे, दांत तोड़ दूंगा तेरे। पैसे नहीं दे सकते बिजनेस के लिए, दांत तो देगा तेरा। तू बात कैसे कर रहा है उनसे? जी ऐसी बात है, इज्जत। ठीक है, मैं अपने पापा अंकिल को छोड़ दूंगा। एक शर्त है। क्या शर्त है? तेरे पापा अंकिल को एक दांत तोड़ लूं। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तब क्या इतना बन रहे हो? पापा को बोल मत ऐसा। हूँ बढ़िया है, खुद मेरे बाप पे जाना भी नहीं। खुद तो इतने दिमाग है नहीं बिजनेस का। मेरा आइडिया है इतना सुपर हिट, तो जलन हो रही है तुझे। पागल कहीं के बाद सबसे बड़ा मैंने देखा नहीं आज तक। मेरे देखा ही कहा है, सुन रहे आप? नहीं, आप नहीं समझ रहे। मोजा, मोजा नहीं पहन के आप समझ रहा? क्या नहीं समझ रहा? मोजा लेकिन आप। हेलो भाई साहब, मैं बहुआ बोल रही हूँ, मेरा बॉस। भाई साहब, वही सब कुछ नहीं हो क्या रहा है? अंकिल, अंकिल चलेगा? अंकल तेरा बाप। एक सेकंड यार, अगर मैं मोजा पहन के नहीं आया हूँ, बॉस मेरा क्यों झंझट कर दिया? हेलो यार, मोजा तू नहीं पहन के आया, सुबह सुबह मत्था मेरा खराब कर रहा है। मेरा बॉस मेरे पीछे पड़ा। मोजे बॉस से बात करवा, बात कर। अबे नहीं करनी भैया। बॉस अंकिल, एक सेकंड बात कर दिया। हाँ बोलिए। अबे कौन बोल रहा है? क्यों बच्चे की जान ले रखी है? मोजा नहीं पहनेगा भाई साहब तो जूता काटेगा। बोलो। हाँ 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 हाँ। सॉरी, अभी सुनिए। हाँ। अब अगर जूता काटेगा तो इन्फेक्शन होगा। हाँ जी। अब इन्फेक्शन बड़ा होगा तो पैर काटना पड़ेगा। बोलो। पैर काटना पड़ेगा। हाँ, अभी उसके बाद जब पैर काटेगा, ऑपरेशन करने जाएगा, छुट्टी लेगा। पैर कट रहा है तेरे को, छुट्टी है? और क्या, कैसा बॉस बात है? Shut up. आप क्यों बात बात? Shut up. कंपनी का फायदा क्या? Shut up. मैंने कंपनी के लिए एक डील कटा की है। हाँ बोलो ना बउआ। Now you shut up. अरे बउआ बॉस है, बॉस का क्या करूँ? हेलो बॉस की। अरे गंदी बात कर दी है। बॉस होती है। सारे बॉस लोग को चीची बोले। मौसम अचानक करवट ले चुका है, काफी लोगों ने छुट्टियां मनाई है कल। हेलो हेलो, किससे बात करनी है भाई? नमस्कार जी, मैं बउआ बात कर रहा हूँ। बउआ कौन? बउआ मैं बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी भी हैं। बैरागी जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुड़ने के लिए मतलब? अगर आप रेडी हैं तो हम बताएं। रेडी इस चीज के लिए? रेडी भाई साहब, हर हफ्ते एक सामाजिक पहलू पर चर्चा की जाती है। अरे नहीं करनी यार। एक सेकंड, जहां पर हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी। मेरे को क्या फोन किया है? समाज के प्रति आपका दायित्व है, उसको पूरा कीजिए। सिर्फ आईने में बाल मत ठीक कीजिए। दायित्व मेरा क्यों है? सिर्फ दो मिनट लगे। अच्छा ठीक है भाई, बताओ बताओ। कह के इन्होंने हामी भर दी। इस बारी का जो मुद्दा है बैरागी जी, वो ये है कि लोग कहते हैं इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। भाई साहब आप इस बात को मानते हैं? हाँ मानता हूँ। लेकिन बैरागी जी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। बिल्कुल, इंसान का दिल बड़ा होने से बाकी सभी चीजें क्या हो जाएंगी? मतलब मैं समझ नहीं पाया। देखिए, अगर कानून का दिल बड़ा होगा तो क्या काम हो जाएगा मुजरिमों को पकड़ा? अरे यार कानून कहाँ से आ गया इसमें? नहीं यानी कानून का दिल नहीं, कानून का हाथ लंबे होने, हाथ बड़ा होने। ऐसे और कई उदाहरण। दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट नाम सुना भाई साहब आपने? हाँ जी सुना है। छोटा सा ब्रेक, उसेन बोल्ट के बारे में फिर से ब्रेक के बाद क्या? उसेन बोल्ट का अगर दिल बड़ा होगा तो वो कैसे दौड़ेगा? उसके पैर बड़े होते, पैर बड़े होने चाहिए। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ, जन्मदाता माँ होती है लेकिन ठीक करने वाले डॉक्टर डॉक्टर होते हैं। डॉक्टरों का अगर दिल बड़ा होगा, डॉक्टर का क्या बड़ा होना चाहिए भाई? डॉक्टरों का अगर दिल बड़ा होगा तो क्या इलाज करेंगे? उनकी कैंची बड़ी, कैंची बड़ी होनी चाहिए भाई साहब। तीर फाड़ में अच्छा। अबे कैंची नहीं, सुई बड़ी होनी चाहिए। सुई का क्या करेंगे आप? सुई इसकी में डाल देंगे। डालने के लिए कूड़ादान है। तो दिल बड़ा तो तू बड़ा, ये बात गलत है। बिल्कुल सरासर गलत है। किसने कहीं मुझे मिलवाई उसकी लटे सवाल? लटे
भाई साहब लटे सवारी नहीं, किसने कही थी ये बात? अबे घंटा भी लटे में मारूं। बहुत सही अच्छी बात आपने। घंटा घंटा भी, घड़ी का घंटा बहुत बड़ा होना चाहिए ताकि जब बजे तो पता चले वक्त क्या हो गया दुनिया। वक्त क्या हो गया दुनिया को घड़ी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। देखिए जंग रोधक वालिया जी, आपको इस बात क्या, कौन वालिया? जंग रोधक, जंग रोधक वालिया। आपका नाम जंग रोधक वालिया है? तेरी गलत बोल रहे हैं, इस चर्चा को यही खत्म करेंगे। कैमरामैन प्रकाश लोसन के साथ मैं किशोर बैरागी और ये जंग रोधक वाली खा लिया वाली। अबे चल तेरी, फोन काट दिया। बैरागी जी आज की चिट्ठी कहाँ से आई है ये बताइए। आज की चिट्ठी अंटार्कटिका से 35 किलोमीटर दूर एक गांव है कासाब्लांका। कासाब्लांका से वहाँ से सोमालिया सूफो लिखती है। सोमालिया सूफो कहती है, यू गाइस आर एब्सो रॉकिंग ऑसम। सोमालिया सूफो लेकिन एब्सो रॉकिंग नहीं होता। नमस्कार सूफो, शुक्रिया। हेलो हेलो हेलो, दो पैसे का हेलो। अरे भाई कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। क्या आपका नाम सच्ची है भाई साहब? हाँ जी जी, वो अधिकारी के आप फेसबुक के फ्रेंड्स हैं ना? मैं भी उसमें एक मिनट देखा था आपका कल प्रोफाइल मैंने। हाँ, तो फिर एक कमेंट लिखा था आपने कि इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। जब मैंने पढ़ा कि इसके लिए जान भी दे सकता है तो फिर मैंने स्क्रॉल किया भाई साहब, फिर नीचे देखा आपने मसाले डोसे का फोटो डाला मसाले डोसे का फोटो डाला था आपने और लिखा था इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। क्या ये बात सही है? अरे तो तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं इतना पसंद है आपको, कुछ भी हो मैं मेरा स्टेटस में कुछ भी डालूं, नहीं बस इतना पसंद है कि जान दे सकते हैं मसाले डोसे के लिए भाई साहब? हाँ दे सकता हूँ, पर मैं आपको बता दूँ आपकी याददाश्त के लिए कि यही जान पे आफत भी कर सकता है। पूछे कैसे? बता 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 रहा हूँ सुनिए। मसाला डोसा कैसे बनता है? राइस से, चावल, चावल उगता है जमीन में जिसको पानी की भी जरूरत होती है। पानी बरसता है पेड़ से, पेड़ से कहाँ, आसमान से बरसता। मतलब पेड़ होते हैं तभी आसमान से पानी बरसता है। हाँ। पेड़ आप काट रहे हो? कौन काट रहा है? इंसान, मतलब इंसान, इंसान काटते जा रहा है। इंसान को लग रहा है वो पेड़ काट रहा है, पर कायदे से इंसान अपना काट रहा है। सही पकड़े भाई साहब। फिर आप पेड़ काट के वहाँ घर बना देते हो, तो सपोज आपने पेड़ काटा वहाँ पे अपना घर बनाया, घर किस चीज से बनता है भाई साहब? घर ईंटों से बनता है ना? किस चीज से बनता है? घर लोगों से बनता है, भावनाओं से बनता है, सपने का घर होता है भाई साहब। अरे ईंट सीमेंट से खड़ा करेगा जब भी तो भावनाएं घुसेगी उसमें। ये बात भी सही है। एक खाली मैदान में जाके, खाली मैदान में जाके भावनाओं की लकड़ी पे थोड़ी घर खड़ा होगा, है कि नहीं भाई साहब? वही तो सुनिए, सही बोल रहे। तो घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कौन सा होता है? अरे तू मसाले डोसे, वो किस डोसे की बात कर रहा है? डोसे डोसे पे आना आ तो जाओ। ये घर लकड़ी वकड़ी कहाँ पहुँच गया? पहुँचा ऑलमोस्ट देर भाई साहब, ऑलमोस्ट। तो आप बताइए घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या होता है? वहाँ जा टट्टी करते हैं। सुनाई नहीं दिया दोबारा? यही घूम रही है आपके दिमाग में। अरे किचन भाई साहब, किचन, किचन घर का सबसे इम्पोर्टेंट। तेरे लिए होता हुआ मैं तो इस वक्त जहाँ बैठा हूँ मेरे लिए वही है घर का इम्पोर्टेंट। नहीं सुनिए, तो किचन इसलिए क्योंकि आप वहाँ खाते हो, जब तक खाओगे नहीं तब तक हगने कैसे? पानी बच रहा नहीं है, पानी खत्म हो जा रहा है, आप पेड़ काट रहे हो, बारिश होगी नहीं, खाली घर बना रहे हो, घर में किचन होगा, पानी होगा नहीं, क्या खाओगे क्या बनाओगे? हैं? तो जब खाओगे नहीं पियोगे नहीं तो फिर जान बचेगी आपकी? अरे फोन रख दे भाई साहब, बहुत हो गई तेरी भाई साहब, गलत बोला बात में रह गया। आपकी जान बचा रहा हूँ, डोसा खिला रहा हूँ और आप बोल रहे हैं ये नहीं। रहने दे, ऐसी जान नहीं बचानी मुझे, बता। हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? एक सेकंड, बाबू डो ये नहीं, वो आ जाएगा बाबू। अरे कौन बाबू, कहाँ आ जाएगा? जी, मैं बहुआ बोल रही हूँ, मेरी माँ तड़प रही है, रो रही है। अबे तो मुझे क्यों फोन किया? मेरा छोटा भाई, मेरा बेटा, क्या हो गया उसको? उसको गुंडे उठा के ले गए दुबई से, भाई आए थे। तो क्यों ले गए, क्या कर दिया उसने? ठीक है, वो ये है कि कान पर जू नहीं रेंगती। किसने उठाया ये मुद्दा? मुद्दा कोई भी उठाया, जवाब बैठागी जी, आप दीजिए। अच्छा दीजिए। बहुत ही बात आज की नहीं है, जुओं की प्रजाति सन 1956 में काफी विकसित हो रही थी। अच्छा, उनके राज्य में सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन पंचायत ने कहा कि जो भी बदमाशी करता है उसकी तोड़ दी जाएगी। क्या तोड़ दी जाएगी? क्या तोड़ दी? बताओ ना युवक, क्या तोड़ी जाएगी? तोड़ी गई और क्या तोड़ी जाएगी? मेरी नहीं, उस वक्त बदमाशों की, यही जो इन्होंने बोला। तो उनकी वो फलाना चीज तोड़ी जाएगी, ऐसा पंचायत में, पंचायत ने बोला। बदमाश डर गए,
लेकिन यही बात जुओं की रानी सिल्की देवी ने सुनी। जुओं की रानी भाई कौन सिल्की देवी? जुओं की रानी जी। जैसी सिल्की देवी ने सोचा कि इनकी तो कान तोड़ दी जाएगी। अच्छा उनके सुनने में फेड़ हो गया। पंचायत ने तो कान नहीं बोला था, क्या बोला था? थोड़ी गई और क्या थोड़ी गई। सिल्की ने जब सुना कि ये तोड़ दी जाएगी तो उसने पूरी सल्तनत को ये ऐलान भेज दिया कि किसी के कान पे मत रेंगना क्योंकि कान तो टूटने वाली है। टूटने वाली भाई। अरे और उसे एक दिन से कोई भी जूं कान में नहीं रेंगती क्योंकि कान टूटती तो नीचे गिर जाती, गिर जाती तो जख्मी होती। वाले भाई साहब कैसी लगी ये चर्चा? बैरागी जी बात करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, कैसी लगी अभी? शुक्रिया। कान की जगह अच्छा बोल रहे हैं। क्या नाम है बैठा जी इनका? सिंड्रोम बनर्जी। सिंड्रोम बनर्जी, सिंड्रोम बनर्जी। ये चर्चा यही खत्म होती। बाप ने एक नहीं बोल सकते, बस करिए। हेलो। हाँ जी नमस्ते अंकल। नमस्ते भाई, कौन बोल रहा है? जी मैं हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड से बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ, कहाँ से? हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड। फोन पे हम लोग जनरली कॉन्टेस्ट खिला के प्राइज देते हैं। अरे मेरे को नहीं खेलना भाई। नहीं 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 सुनिए, बड़ा सिंपल सा है। अरे यार तुम लोग फोन कर करके बैलेंस काट लेते। बैलेंस नहीं काटते, प्लीज दो मिनट दे दीजिए। चल बोल जल्दी, दो मिनट है। जैसे कि कॉन्टेस्ट बड़ा सिंपल है। हाँ भाई बता। पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। कर दे। दो चीजें होती है दुनिया में, हाँ और ना। अच्छा। तो हाँ और ना में हाँ तो हाँ ही है, लेकिन आज के जमाने में ना जो शब्द है वो बदल के अब घंटा हो गया है। घंटा? जैसे कि मैं आपको ये बोलूँ कि ये मेरा मोबाइल 50,000 रुपए में लेगा। हाँ। तो सामने वाला ना नहीं बोलता, सामने वाला बोलता घंटा। जब 8 से 9 के बीच सुबह मेट्रो में जाते हैं तब सीट मिलती है। फालतू का टाइम नहीं। जैसे मेरे साथ दूसरी लाइन पे एक और प्रतियोगी हैं जिनका नाम है डगलस। डगलस अरे कौन है डगलस? डगलस मैं था, आई एम फ्रॉम सिंगापुर। चलो कहाँ से? सिंगापुर। चलो अच्छा भाई, अब हम आपको कुछ फिल्मों के नाम बताएंगे जिसमें ना शब्द आता है। ओके। तो जहाँ जहाँ ना आता है वहाँ वहाँ आपको क्या भरना है? घंटा। क्योंकि ना मतलब घंटा। अगर जवाब आपको आए तो जवाब में पहले नाम चिल्लाना है, जवाब नहीं। ठीक है? अच्छा। तो पहला राउंड शुरू करते हैं। कहो ना प्यार है डगलस। कहो ना घंटा है। नहीं आपने नाम चिल्लाना है डगलस। डगलस कहो घंटा प्यार है। थैंक यू। 1-0 अच्छा। हो गया। ठीक है अच्छा। दूसरे पिक्चर का नाम कल हो ना हो डगलस। घंटा हो घंटा। फिर आप नाम नहीं बोले डगलस। कल हो घंटा हो। अगला पिक्चर तुम कौन ना भूल पाएंगे डगलस। तुमको घंटा भूल पाएंगे। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। घंटा मिलेगी दोबारा डगलस। घंटा मिलेगी दोबारा। वेरी गुड वेरी गुड। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। ये राउंड पूरा हुआ, अब हम गाने की तरफ बढ़ेंगे। ना 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 रे घंटा 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 रे घंटा रे घंटा डगलस। अरे एक सेकंड, वो मेनू कैंडी ना 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 डगलस। वो मेनू कैंडी घंटा 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 भाई तू एक बार डगलस को फोन दे। डगलस भाई बात करिए। आई एम स्पीकिंग इंडियन डगलस। मैं डगलस तेरी सेम टू यू। अगला गाना ना सीखा मैंने जीना डगलस। घंटा सीखा मैंने जीना जीना। आई एम विन साले। ये घंटा। एक आखिरी पिक्चर शोले डगलस। डगलस शोले में क्या घंटा है? कहाँ ना है, कहाँ इसमें? शोले घंटा 3 लेती है, इतनी लंबी फिल्म है सिप्पी की। अरे साले पार्टिसिपेट करने के लिए शुक्रिया भाई साहब। मेरे को कुछ नहीं मिलेगा साले। मिलेगा क्या? मिलेगा घंटा। आई एम डगलस मेहता फ्रॉम सिंगापुर। Okay, thank you very much, bye.